तो यार काफ़ी उम्मीदें लगा रखी थी यूजीसी से कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे फाइनल ईयर के, बट नहीं हुए। तो फाइनली वो दिन आ चुके हैं जब हम देने जा रहे हैं एग्ज़ाम। और उससे पहले, सबसे पहले मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ कि मैं जब भी कोई भी एग्ज़ाम, अभी कॉलेज की बात नहीं, स्कूल टाइम से ही मेरी ये हैबिट है कि जब भी कोई एग्ज़ाम्स होते हैं तो मैं उनसे जस्ट मतलब कुछ दिन पहले, जैसे एग्ज़ाम से पहले एक दो दिन की छुट्टियाँ होती हैं, तो उनके अंदर स्टडी करके मैं एग्ज़ाम दे के आता हूँ। और पूरे साल भर फुल ऑन मस्ती चलती है और वही सीन अभी कॉलेज में है। वो सब छोड़िए, आज के एग्ज़ाम की बात करता हूँ। तो सीन क्या था कि टोटल 5 यूनिट थी आज वाले सब्जेक्ट की, आज डीएस का एग्ज़ाम है तो उसमें एक भी यूनिट अपनी प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो कल शाम को मैं जिम से आने के बाद लगभग 6 से 7 बजे के करीब मैं बैठा और 3 यूनिट रात को प्रिपेयर करके सोया मैं 2:30 बजे, और सुबह फिर 4 बजे उठा और दोबारा से 2 यूनिट की कंप्लीट। तो टोटल 5 यूनिट, यानी पूरे साल का सिलेबस हमने एक दिन के अंदर किया है। और अभी हम देखते हैं कैसा रहता है हमारा एग्ज़ाम, और भी कुछ थोड़े बहुत काम हैं गंगानगर में वो निपटाएंगे। तो फटाफट से अभी फ़िलहाल निकलते हैं घर से क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो रहा है, तो 11 बजे अपने को पहुंचना है वहाँ पे। तो चलते हैं फटाफट से। गाइस जस्ट अभी फ़िलहाल मैं कॉलेज से निकला हूँ एग्ज़ाम देखे, और आज थोड़ा सा लेट हो गया था तो इसलिए वहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं की मैंने। एंड इससे पहले कि आगे कंटिन्यू करें, कल क्या है, कल भी मेरा एक एग्ज़ाम था, सेकंड डे था, तो कल बाइक की सर्विसिंग वगैरह करवाई। एक बार आप वो वाली वीडियो देखिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस फ़िलहाल हम आए हुए हैं रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर और यहाँ पे चल रही है अपनी बाइक की सर्विसिंग। फ़िलहाल बैठे हैं वेटिंग रूम में और बाइक का बेसिकली लगभग सारा काम हो चुका है, इंजन ऑयल वगैरह चेंज हो चुका है, लेकिन अभी गई हुई है हमारी बाइक वॉशिंग के लिए, तो जैसे ही वॉश होती है वहाँ से आएंगे। सो ये है गंगानगर के रॉयल इनफील्ड शोरूम का सर्विस सेंटर, और इधर फ़िलहाल इस विंडो से, यहाँ से आप देख सकते हैं बाइक्स लगी हुई हैं सामने। भाई सर्विसिंग करवाने के बाद ना बाइक इतनी स्मूथ हो जाती है कि अभी फिलहाल इसमें एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर एंड ऑयल चेंज हुआ है, इस बार सिंथेटिक ऑयल डलवाया है, तो उसकी वजह से काफ़ी स्मूथ चल रही है और चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी एनहांस हुआ है। और एक पल के लिए तो यार ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट शोरूम से निकलवा के लाया हूँ, क्योंकि जस्ट सर्विसिंग करवाने के बाद थोड़ी सी परफॉर्मेंस बाइक की बूस्ट होती है। और अभी ना जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद मैं एक राइड प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यार लॉकडाउन में घर पे ही बैठे थे, कहीं ना कहीं ज़रूर जाएंगे हिल स्टेशन वगैरह। और उसके लिए जैसे कि अभी फ़िलहाल जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मैं अभी अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास एक्शन कैम नहीं है। अगर आप सजेस्ट कर सकते हैं कोई भी अच्छा सा बजट एक्शन कैम, सो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि जो वीडियो क्वालिटी है वो एनहेंस हो सके। और जैसा कि अभी आप व्यू देख रहे हैं वो इतना वाइड नहीं आ पाता है फ़ोन से, और स्टेबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं मिलती है, तो इसलिए यार एक एक्शन कैम लेना मस्ट है। तो भाई अभी फाइनली घर पे जा रहे हैं और जितना भी काम था गंगानगर में वो कंप्लीट हो चुका है, एग्ज़ाम हमने दे दिया है, आज सेकंड डे था और टोटल 5 है, तो 3 एग्ज़ाम अभी हमारे पेंडिंग है, उन्हें कंप्लीट करते हैं और उसके बाद यार कोई सॉलिड वाली राइड करेंगे प्लान, अगर कोई साथ चलता है तो ठीक, वरना पिछली बार की तरह सोलो राइड मार के आएंगे। तो यार कल आ तो गया था मैं काफ़ी जल्दी गंगानगर से, बट सडनली उसके थोड़ी सी देर बाद कल रात को कुछ इंसिडेंट हुआ, उसके कारण फिर मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया। और हुआ क्या, तो यहाँ पे ये जो रूम में स्विच बोर्ड लगा हुआ था भाई साहब, इसमें मैंने बटन ऑन किया और ऑन करते ही यहाँ पे इस जगह पे आग लग गई। बेसिकली इसके अंदर हुआ क्या कि ये जो वायर है यहाँ से जल गई, ये जो आप देख रहे हैं
ये पूरी वायर जलते हुए पूरी फिटिंग के अंदर यहाँ भी जली हुई है, तो पूरी अंदर जो अंडरग्राउंड फिटिंग है लाइट्स वगैरह की, फैन की, वो सारी जल चुकी है। आग लगते ही मेरे को पता तो चल गया था कि कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि स्मेल आ रही थी, और जैसे ही मैंने इसकी तरफ देखा ना, बोर्ड की तरफ, तो यहाँ पे आग जल रही थी। इसके अंदर से ना साफ रेड रेड दिखाई दे रहा था मेरे को कि अंदर कुछ जल रहा है। तो भाग के मैंने फटाफट से लाइट ऑफ की और इस रूम की जो कनेक्शन है उसे MCB से कट कर दिया, और उसके बाद से अभी लाइट बंद है। तो वीडियो शूट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था रात के अंदर, तो मैंने सोचा कि सुबह नेचुरल लाइट जो विंडो से आएगी तो उससे शूट करेंगे। और इसी के साथ कुछ हथियार हमने मंगवाए हैं, वो दिखाता हूँ आपको। तो यार, जो व्यूअर्स मुझे परमानेंट देख रहे हैं उनको पता है कि मैं मैनफ्रोटो का ट्राइपॉड यूज़ कर रहा हूँ, और इसके साथ ना बेसिक वाला ये जो माउंट है 150-200 रुपये वाला, वो मैं यूज़ कर रहा था इससे पहले वीडियो शूट करने के लिए। बट इसमें हुआ क्या ना, यहाँ से ये थोड़ा क्रैक हो गया, और उसके बाद इसमें मोबाइल फिक्स करना इम्पॉसिबल सा हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ से इसके थ्रेड भी ख़राब हो गए। तो मैंने अपग्रेड करने का सोचा, और हथियार से मेरा मतलब यहाँ पे किसी वेपन से नहीं है भाई साहब, वीडियो शूटिंग इक्विपमेंट से है। तो अभी फिलहाल अमेजोन से मेरे पास पार्सल डिलीवर हुआ है, तो इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ हमें मिला है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने माउंट मंगवाया है ट्राइपॉड के लिए, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि इस पे लिखा है मेड इन इंडिया, तो ये इंडियन मेड ब्रांड है। ये काफ़ी अच्छी डील मेरे को मिली। इसमें हमें बेनिफिट ये रहने वाला है कि यहाँ पे इसमें पीछे की तरफ भी एक स्क्रू है, ऊपर की तरफ भी एक स्क्रू है। जो पहले वाले हमारे माउंट थे वो स्प्रिंग बेस्ड थे, तो इनके अंदर स्प्रिंग मैकेनिज्म था, तो जैसे इनके अंदर फ़ोन फंसाते थे तो ये थोड़े टाइम यूज़ करने के बाद ये लूज़ हो जाता है, और उसके बाद फ़ोन इसके अंदर से गिरने का खतरा रहता है। लेकिन इसके अंदर भाई साहब बिल्कुल उल्टा है, इस पर स्क्रू बेस्ड माउंटिंग दी है, तो जैसे हम स्क्रू को यहाँ से लूज़ करेंगे बड़े से बड़ा फ़ोन भी इसके अंदर आ जाएगा। और नीचे अच्छी तरह से यहाँ पे पैडिंग भी दी गई है रबराइज, जिससे कि फ़ोन पे स्क्रैचेस वगैरह ना लगें। और इसी के साथ जैसे ही हम इसमें अपना फ़ोन माउंट करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ से कर देना है भाई टाइट, और जब तक हम इसे लूज़ नहीं करेंगे यहाँ से हमारा फ़ोन निकलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। नीचे यहाँ पे ये जो फ्लैट सरफेस मिल रहा है, तो इसकी वजह से हम डायरेक्टली इसे टेबल टॉप पे या किसी फ्लैट सरफेस पे रख के यूज़ कर सकते हैं बगैर ट्राइपॉड में माउंट किए हुए। और जो पीछे वाला स्क्रू है, इसकी हेल्प से जैसे इसको लूज़ करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, पोर्ट्रेट मोड के अंदर चला जाएगा। तो जो इंस्टाग्राम के लिए हम फोटोज़ वगैरह लेते हैं या वीडियोस लेते हैं, या फिर जो शॉर्ट वीडियोस आजकल चल रहे हैं इंस्टा पे भी चल रहे हैं और यूट्यूब पे भी, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये, क्योंकि इसके अंदर तो एक बार भाई साहब अगर फ़ोन को ऐसे लगा दिया तो हॉरिजॉन्टल ही रहता है, उसे वर्टिकल करना मुश्किल होता था। तो फिर मैंने इसे इसीलिए मंगवाया है, और इसका वैसे MRP जो है बॉक्स पे वो 800 है, लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छी डील मिली और लगभग 350 रुपये का ये माउंट है। अगर सेम यही वाला प्रोडक्ट और यही वाला ट्राइपॉड अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। व्लॉगिंग के लिए या टेक वीडियोज़ के लिए या कोई भी काम अगर आप वीडियो शूटिंग या फोटोग्राफी करते हैं, उन दोनों में सबसे बेस्ट हैं। अभी माइक्रोफोन भी आने वाला है, ऑर्डर किया हुआ है मैंने, शॉर्ट गन माइक ऑर्डर किया बाय द वे, काफ़ी अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहता है, काफी बड़े बड़े व्लॉगर्स उसे यूज करते हैं, तो वो वाला माइक भी अभी ऑन द वे है, तो वो आता है तो उसके बाद कंप्लीट हमारा व्लॉगिंग सेटअप रेडी हो जाएगा। और उसके बाद अभी जो साउंड का क्वालिटी आ रहा है ना, उससे काफी हद तक इंक्रीज होने वाला है, 80-85% इससे ज्यादा एनहेंस हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल यार इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ, ये सारा कुछ फिक्स करवाता हूँ जो भी यहाँ पे मसला हुआ है, क्योंकि अभी अपना PC वगैरह सब बंद पड़ा है यार। मैं कल रात को भी नीचे सोया था, इस रूम में सो नहीं पाया था क्योंकि यहाँ पे लाइट भी नहीं है, और उसके कारण ना ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो जितने भी वीडियोस हैं, टेक वीडियोस, गेमिंग वीडियोस, सभी अभी पेंडिंग पड़े हैं, तो फटाफट से इसे करवाते हैं, और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। एंड यहां तक अगर आप देख रहे हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपना जो इक्विपमेंट है वो आने वाला है, उसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और उसको यूज करके देखेंगे कि कैसा रहता है अपना व्लॉगिंग सेटअप, और उसके बाद एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे इस पे कि बेस्ट व्लॉगिंग सेटअप कैसा रह सकता है 2020 या फिर 2021 के अंदर। इसी के साथ अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।